नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यमुना विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा और नोएडा विकास प्राधिकरण तीनों प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की है। हंगामेदार समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह दागी अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यमुना विकास प्राधिकरण में चली इस समीक्षा बैठक में औद्योगिक मंत्री ने अवैध कॉलोनियों और मुआवजे के संबंध में क्या दिए हैं निर्देश और क्या है संबंध में पूरा अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। शुक्रवार 20 मई को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों को समीक्षा बैठक के दौरान कड़े दिशा निर्देश जारी किए। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों से आवंटियों से पैसा वसूलने और 3 माह में किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। 30 सितंबर तक स्मार्ट विलेज को पूर्ण रूप से विकसित करने और दागी अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। 4 घंटे चली इस बैठक में CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह, ACO मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, OSD शैलेंद्र सिंह और महराम सिंह के अलावा तमाम जिम्मेदार अफसर मौजूद रहे। सबसे पहले यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने औद्योगिक विकास मंत्री का बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण की प्रगति और कार्रवाई रिपोर्ट CEO ने औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष रखी। औद्योगिक विकास मंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण तीनों प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर 3 दिन में चली इन समीक्षा बैठकों में नंदी ने अधिकारियों को 9 निर्देश जारी किए हैं। कौन से हैं यह 9 निर्देश? पहला निर्देश, नोएडा के सेक्टर 91 में वेटलैंड बनाया जाए। दूसरा, सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन व सेक्टर 104 में FOB का निर्माण कराया जाए। निर्देश 3, 2 पिंक शौचालयों का निर्माण कराया जाए। निर्देश 4, RCC नाला निर्माण और ब्रिक वर्क का काम पूरा किया जाए। निर्देश 5, किसानों को 3 महीने में अतिरिक्त मुआवजा मिलने की कार्रवाई पूरी की जाए। निर्देश 6, ईडा में 30 सितंबर तक एक स्मार्ट विलेज बनकर तैयार किया जाए। निर्देश 7, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बसें जल्दी चलाई जाएं। निर्देश 8, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाए। निर्देश 9, 4 मूर्ति चौक की सभी सर्विस रोड चौड़ी की जाए जिससे यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। औद्योगिक विकास मंत्री ने प्राधिकरण के अफसरों को दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्राधिकरण के अफसर इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और तयशुदा समय सीमा में विकास कार्यों को किस तरह पूरा करते हैं। इस संबंध में लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहें जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया मथुरा, अर्बन सेंटर सहित NCR के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। में सतीश शर्मा जाफरवादी, नमस्कार।